बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। नाउ आई एम योर टीचर मिस सुमैरा। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गिविंग यू अ सेकेंड ओपन बुक टेस्ट पेपर 2020 एंड द सब्जेक्ट इज साइंस। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज योर साइंस बुक, ओके, एंड प्लीज ओपन द पेज नंबर 65। ओके स्टूडेंट, नाउ पेज नंबर 65, द चैप्टर नेम इज़ मूवमेंट। टीचर ने आपके लिए जो वर्क में जो सेलेक्ट किया है चैप्टर है वो है मूवमेंट। टीचर ने आपको ये तमाम काम जो है कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है और अक्सर आपका रिवीजन भी लेती रहती थी। अब आपको ये बुक ओपन बुक टेस्ट के तौर पर आपको इस चैप्टर में से काम दिया जा रहा है। वो काम क्या है, आइए मैं आपको आपके पेपर में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ओपन बुक टेस्ट पेपर 2021, सब्जेक्ट इज साइंस एंड क्लास इज 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस के जो पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके हैं 20। ठीक है, अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, नाउ फर्स्ट यू रीड चैप्टर मूवमेंट थॉरली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पूरे पेपर को आपने बहुत अच्छे तरीके से पहले रीड आउट कर लेंगे जो आपका चैप्टर है बुक में, फिर आप अपने पेपर को सामने रखेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है जो आपको अटैम्प्ट करने वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन, हाउ लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स किस तरीके से मूव करती हैं वो आपको रीड आउट जब चैप्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और आप आंसर भी आपको पेपर पे ही यहाँ मेंशन करना है जहाँ पे टीचर ने आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके दी है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज विंड। विंड क्या है, ये भी वही तरीका है, आप चैप्टर रीड आउट कर रहे होंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और आप यहाँ पर मुझे आंसर लिख के बता देंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड वर्क इज चूज द करेक्ट वर्ड विद द गिवन एनिमल्स। चूँकि चैप्टर हमारा मूवमेंट है तो यहाँ पे टीचर ने आपको 3 एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके वर्ड हैं। अब आपने बताना है कि कौन सा एनिमल जो है वो किस तरीके से मूवमेंट करता है अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। ओके, नाउ द फर्स्ट बर्ड, 2 टाइगर एंड 3 फिश, और इनके यहाँ पे देखें मूवमेंट इनकी है, रन, स्विम, फ्लाई। अब आप ये देखेंगे कि बर्ड जो है वो क्या कर रही है, टाइगर किस तरीके से चलता है, फिश जो है वो क्या करती है। आपने यहाँ ब्लैंक में जो अंडरलाइन हुआ है यहाँ पर आप करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, आवर थर्ड वर्क इज मैच कॉलम ए टू कॉलम बी। कॉलम ए बनाया है टीचर ने, कॉलम बी आपको सिर्फ मैचिंग करनी है। ठीक है ना, कौन सी लाइन किससे मैच होगी। नाउ नंबर 1 इज व्हेन वी पुश और पुल थिंग्स, जब हम चीज़ों को खींचते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी पुश और पुल थिंग्स या धक्का देते हैं, फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड इज पीपल एंड एनिमल्स मूव, इंसान और जानवर किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। नंबर 3 फ्रॉग मूव्स, फ्रॉग किस तरीके से मूव करता है। नंबर 4 पुशेस एंड पुल्स क्या हैं। अब यहाँ पर इनके आंसर है, बस आपको उसको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा आंसर किससे मैच होगा। इन डिफरेंट वेज वी मेक दैम मूव आर फोर्सेस बाय जंपिंग। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर लास्ट वर्क इज मिसिंग वर्ड्स। यहाँ पे टीचर ने आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिनमें लेटर मिसिंग है, जब आप उस लेटर को फिल करेंगे तो आपका जो वर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1 FO-CE, नंबर 2 BO-IES, नंबर 3 MOVE। ये तमाम काम आप जब रीड आउट कर लेंगे चैप्टर मूवमेंट तो आपका पेपर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नाउ अब मैं आपको बताती हूँ हमारा जो सेकंड चैप्टर है बुक में से जो हमने लिया है वो है, द चैप्टर नेम इज़ द वेदर। आप इस चैप्टर को पूरा थॉरली रीड आउट करेंगे और आपको जब पेपर सामने रखेंगे आप खुद ब खुद आपको जारी बात रीड आउट होगा तो आपका पेपर भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये स्टूडेंट फर्स्ट रीड द चैप्टर वेदर थॉरली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए जिस तरीके से आपको क्लासरूम में टीचर जब सबमिट करती हैं पेपर तो पूरा समझाती हैं किस तरीके से पेपर करना है, ऐसे ही आपका पेपर है सामने, आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डज वेदर चेंज, क्या वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। नंबर 2, व्हेन डज द सन शाइन, सूरज कब चमकता है। ठीक है, ये दोनों आंसर आपने कहाँ लिखने हैं, इसी पेपर में सॉल्व करने हैं। नंबर सेकेंड वर्क हमारा क्या है, अब फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमने सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको यहाँ पे दी हुई राइट येस और नो, जैसे हेडिंग्स आपको पता चल रहा है आपने सेंटेंस को रीड आउट करना है, जो राइट है उसके आगे आप येस लिखेंगे, जो रॉन्ग होगा उसके आगे आप नो लिखेंगे। नाउ द फर्स्ट इज द सन गिव अस हीट एंड लाइट। नंबर 2, देर आर 2 सीजन्स इन अ ईयर।
नंबर थ्री, वी यूज़ एन अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे. ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने थर्ड वर्क की तरफ. थर्ड वर्क हमारा क्या है, रीअरेंज द लेटर टू मेक अ करेक्ट वर्ड. यानी यहाँ पे टीचर ने आपको जंबल वर्ड दिए हुए, आपने उसको क्या करना है, सिर्फ रीअरेंज करना है. और टू लेटर आपको सिंपल से टीचर ने सेलेक्ट करके दिए हुए, यू डबल एन एस वाई. अब आप यहाँ सोचेंगे कि किस तरीके से उसको अरेंज करेंगे तो एक वर्ड कंप्लीट हो जाएगा हमारा. ओके नाउ स्टूडेंट, सेकेंड इज टी एच ई आर डब्ल्यू ई ए. अब आप इसको अरेंज करेंगे तो आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ड बनेगा वो आप मुझे पेपर में सॉल्व करके बताएंगे ऑब्वियसली. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ आवर लास्ट वर्क इज, टीचर ने आपके लिए क्या अरेंज किया हुआ है, यहाँ पर लास्ट आपका है. यस, नाउ राइट द नेम ऑफ फोर मेन सीजन्स. सीजन्स आपने पढ़े हैं ना, सीजन्स मैंने आपको पढ़ाए हैं. वेदर के साथ साथ आपको ये भी बताया कि सीजन क्या होते हैं. आपने मेन फोर सीजन्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं. टीचर ने आपको यहाँ पे नंबर भी दे दिए, नंबर वन कौन सा है, टू थ्री फोर. ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वर्क. आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा, आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करें. और फिर टीचर को जो सबमिशन डेट हमने दी है, आप जब आएंगे लेने के लिए और फिर जब हम सबमिशन डेट आपको बताइए उसी डेट पर आकर आपने इसको मुझे सबमिट कराना है. ठीक है, ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.